और इसी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। लोकसभा का रण हम चूंकि चर्चा में कर रहे हैं, के एस चौहान जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अभय नारायण राय जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और रुद्र अवस्थी जी हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का ही बहुत बहुत स्वागत है INH 24/7 पर। और चूंकि हम आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की 9 सीटों का जिक्र किया जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग है, सागर संभाग है, भोपाल संभाग, नर्मदापुरम, और ये तमाम वो संभाग है जहां पर आज दिग्गजों की जो फैसला है वो होने वाला है, यानी ईवीएम में वो कैद होगा। लेकिन सबसे पहले हम सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर अगर चर्चा करें तो बीजेपी के हमारे साथ के एस चौहान जी। चौहान साहब, आपसे ही सबसे पहले शुरुआत विदिशा की अगर करें, विदिशा संसदीय क्षेत्र की करें, क्योंकि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्होंने लखनऊ से भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्होंने फिर विदिशा सीट छोड़ भी दी, लेकिन यहाँ पर हाई प्रोफाइल अगर हम सीट की बात करें, विदिशा संसदीय क्षेत्र, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के भाग्य का फैसला आज होने जा रहा है। हालांकि उन्हें पूरे सबको ही पता है कि किस तरह से लगातार उन्होंने जीत हासिल की है। क्या कहेंगे इस क्षेत्र को लेकर आप? देखिए शर्मा जी, ये तो पहले ही फैसला तो पहले ही हो चुका था, 3 महीने पहले, जब जनता ने अपने विदिशा की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने ये फैसला सुना दिया था। अब 2018 में आप देखिए, 2018 में तीनों राज्यों में इनकी सरकार आई थी और उसके बाद 65 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला के, उसमें लगभग 3 सीटों में सिमट के रह गए थे। और जब से छत्तीसगढ़ पृथक हुआ है, अलग हुआ है, और उसके बाद भी लगभग पिछले 5 चुनावों में देखेंगे तो हमने विदिशा की सीटें अपनी गंवाई नहीं है। और विदिशा हो या मध्य प्रदेश हो, वहां की जनता सब जानती है कि हमारे को कहां वोट देना है और हमारे देश के लिए विकल्प क्या है। और सबसे पहले तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये अपील भी करना चाहूंगा कि ये पक्ष और विपक्ष के जाने के लिए आप वोट मत डालिए, आप राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में वोट डालिए और वोट जरूर डालिए। ये बात अलग है कि हम ये सोचते हैं कि आज हमारे पास विकल्प क्या है हमारे देश के लिए। हमारे देश में जब हमारे को सिर्फ एक ही विकल्प दिखता है, भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, तो निश्चित रूप से वो ट्रस्टेड है और टेस्टेड भी है। तो उसके हिसाब से विदिशा की जनता हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, पूरे भारत की हो, पूरे मध्य प्रदेश की हो, ये वहां पर जाके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे और उन्हें विजयी बनाएंगे। बिल्कुल, किसके पक्ष में वोट डालेंगे तो फिलहाल देखना होगा, लेकिन चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, अभय नारायण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभय जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, विदेश मंत्री रही हैं सुषमा स्वराज, पूर्व मंत्री रही हैं, नेता प्रतिपक्ष रही हैं, और ऐसी जगह पर उन्होंने लोकसभा चुनाव का रण लड़ा है, विदिशा संसदीय क्षेत्र का चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि जब पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में है, लगातार जीतते रहे हैं, तो इस बार जीत का जो अंतर है वो काफी ज्यादा होगा, या किस तरह की स्थितियां बनती हैं, या कांग्रेस की स्थिति आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, पूरा देश हो, इस सरकार को बदलने के लिए आज जनता वोट करने जा रही है। सबसे पहले तो मैं अपील करूंगा, मतदाता हमको देख रहे हैं कि आज 7 तारीख है, जगहों पे आज मतदान हो रहा है, छत्तीसगढ़ की अंतिम चरण है और देश का तीसरा चरण है, सभी लोग मतदान करने हम क्या। ये चुनाव शिवराज सिंह के नाम से महत्वपूर्ण नहीं है, ये चुनाव किसी राजनीतिक पार्टी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये चुनाव 2024 का चुनाव है, इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। विदिशा से कौन जीतेगा, भोपाल से कौन जीतेगा, ग्वालियर से कौन जीतेगा, जनता वहां की तय करेगी, लेकिन देश में सरकार किसकी बनेगी। और ये 10 साल की जो सरकार है, इसने बेरोजगारी पे झूठ बोला, इसने महंगाई पे झूठ बोला, और अब तो लोकतंत्र और संविधान की बात आ गई है। आज देश का संविधान खतरे में है, आज लोकतंत्र खतरे में है, आज लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में है। तो शिवराज सिंह चौहान कितने वोट से हारेंगे, कितने वोट से जीतेंगे, ये मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। देश में सरकार इंडिया गठबंधन की बने, कांग्रेस समर्थित सरकार बने और देश का लोकतंत्र संविधान बचे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा सीट कांग्रेस के पास भी रही है, हमारे भानु प्रताप शर्मा और अन्य बड़े बड़े नेता वहां से लड़ते रहे हैं,
और दिल्ली से भी आकर भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां लड़ते थे। शिवराज सिंह जी तो बहुत लोकप्रिय थे, चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, उनको जड़ से उखाड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, क्या कारण था? जब वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं थे तो सांसद के लायक कैसे होंगे, केंद्र में मंत्री के लायक कैसे होंगे, ये भी वहां की जनता देख रही है, समझ रही है। और शिवराज सिंह का जो अपमान भाजपा ने किया है ना, जनता इस बार कांग्रेस को जिताकर बदला लेगी। शिवराज सिंह के ऊपर न जनता का विश्वास रह गया है, न हाईकमान का विश्वास रह गया है। विदिशा में कांग्रेस जीतेगी और इस देश में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस समर्थित सरकार बनने जा रही है, संविधान और लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक। रुद्र अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवस्थी जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, आपने चूंकि दोनों पक्षों को सुना और इस चुनाव को भी हमने बड़े जमीनी स्तर से भी देखा है कि मुद्दे तो गौण रहे लेकिन तमाम आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर छींटाकशी हो या फिर जीत का मादा रखने की बात हर पार्टी करती रही है, इस चुनाव को किस लिहाज से देखा जाए? देखिए, मुझे इस चुनाव को अगर पूरे एक समग्र के रूप में देखा जाए तो ये चीज समझ में आती है कि ये चुनाव मुद्दों के ऊपर तो जितनी बात हुई या नहीं हुई, लेकिन मुख्य रूप से ये बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उनकी लहर है या उनका मैजिक है या ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि या तो उनके पक्ष में या उनके विरोध में बात इस बात को लेकर होती रही और ये चुनाव के जो का चुनाव में जो सारी बातें हैं वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही। जैसा हमारे यहाँ बीजेपी के साथी बैठे हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि देश में आज नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, तो ये बात तो निश्चित रूप से कही जा सकती है कि अपोजिशन की तरफ से कोई चेहरा उनके बराबर का पेश नहीं किया जा सका इस पूरे चुनाव के दौरान, ये चीज तो समझ में आती है। लेकिन इसके अलावे जो ऐसे जो वादे ऐसे मुद्दे सामने रखे कांग्रेस ने कि जिसने उन्होंने 1,00,000 रुपए सालाना महिलाओं को देने की बात की, एमएसपी की गारंटी की बात की, अब इन वो जो पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में जो जबरदस्त हार का सामना पड़ा करना पड़ा जिस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में के जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कितना उत्साह है और वो इन जो मुद्दे हैं उनके उनके जो उनकी तरफ से वादे किए गए उनकी गारंटी शामिल थी उसको कितना लोगों के बीच उठा सके, ये चुनाव के इस नतीजे समझ में आएगा। और ये चुनाव स्थानीय स्तर पर जो जिन मुद्दों की हम अक्सर चर्चा करते हैं वो होती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मैंने जिन बातों का जिक्र किया कि बीजेपी ने जो अपने हम उनसे भी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां बन रही है, चुनाव को किस लिहाज से भी देख रहे हैं। हमारे साथ के एस चौहान जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अभय नारायण राय जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, रुद्र अवस्थी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, ये सब जुड़े हुए हमारे साथ। सबसे पहले रुक करेंगे के एस चौहान जी का ही। चौहान साहब, आपसे भी ये समझना चाहेंगे इस चुनाव को हम किस लिहाज से देखें, क्योंकि हमने देखा है अलग अलग बड़े बड़े दिग्गज स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में पहुंचे और बस एक दूसरे पर छींटाकशी ही की गई, आरोप प्रत्यारोप ही लगते रहे, किसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, लेकिन जो मुद्दे थे वो गौण थे, वो नदारद थे, ये हम आगे करेंगे, ये किसी ने भी नहीं कहा, क्या कहेंगे जी? शर्मा जी, जो आम जनता है वो आम जनता ना किसी पार्टी विशेष की नहीं होती, कभी नहीं होती, आज तक नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ वो अपना हित किस में है, अपने अपने गांव का, अपने शहर का, अपने प्रदेश का, अपने देश का हित किस में है और उसके लिए अभी उचित कौन है, तो उसको देख के ही वो वोट करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि आप कौन सी पार्टी के हैं, आप हमारे लिए उचित हैं कि नहीं है ये देख के ही, और आप सक्षम हैं कि नहीं है, क्योंकि आजकल की जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो गई है। हम 2018 में जब देखते हैं जो जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसके 4 महीने के बाद ही जो 19 के चुनाव होते हैं एकदम उलट होते हैं। और दूसरी बात, जब जनता ये देख चुकी है और मोदी जी के, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि मोदी जी के सामने कोई बड़ा चेहरा दिखाई नहीं देता है विपक्ष का, एकदम सही बोला, और ये चेहरा एक दिन में नहीं बन जाता शर्मा जी, एक दिन में नहीं बनता, ये काम का चेहरा है, सिर्फ नाम का चेहरा नहीं है, काम तो चेहरे पर ही लोग जो है वो
अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे, जानना चाहेंगे। हमारे साथ अभय नारायण राय जी भी जुड़े हैं। अभय जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, अगर हम चूंकि जिक्र करें 93 सीटों का, 71 तो बीजेपी जीत चुकी थी पिछले बार, अगर हम देखें तो 4 महज कांग्रेस जीत पाई, लेकिन इस बार किस तरह की स्थितियां यहां पर दिख रही हैं? निश्चित रूप से 2024 का चुनाव कांग्रेस को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर उत्साह करने वाला है। तो 10 साल की असफलताएं हैं मोदी जी, 2 करोड़ बेरोजगारी खुद करने की बात, 2 करोड़ रोजगार देने की बात इन्होंने की, 100 दिन में महंगाई कम करने की बात की। आज उन तमाम स्थितियों में देखिए 15 लाख खाते में आएंगे, काला धन वापस आएगा, तमाम प्रकार के जुमले कहकर भावनात्मक कर, कभी पुलवामा, कभी राम मंदिर, कभी मुस्लिम, कभी हिंदू, ऐसा करते करते 10 साल तो चल गया, लेकिन जनता कहाँ खड़ी है? जनता यथार्थ ढूंढ रही है, और उस बीच कांग्रेस की न्याय गारंटी आई, 5 न्याय और 25 गारंटियों की जो बात हुई। आज युवा न्याय के लिए रोजगार ढूंढ रहा है, इसके लिए हमने बात की 20 लाख सरकारी पद खाली हैं, जिसको सरकार, इंडिया सरकार, इंडिया गवर्नमेंट बनते ही उसको भरेंगे। उसी तरह 1 लाख रुपया उसको स्टार्टअप देने की बात भी हमने की, महालक्ष्मी योजना के तहत प्यारी न्याय की बात हमने की है, मणिपुर में महिलाओं को न्याय देने की बात हमने की है, देश में महिलाओं को सुरक्षा देने की बात हमने की है, जो कर्नाटक में आज इनके समर्थित लोगों का दृश्य देखने को मिल रहा है उसमें न्याय दिलाने की बात, साझेदारी न्याय की बात की हमने, मनरेगा जो कांग्रेस यूपीए सरकार की, मनमोहन सिंह सरकार की सबसे बड़ी योजना थी पूरे विश्व में, अगर कहीं पे मजदूरी तो तमाम वो योजनाएं हैं जो आप चूंकि चर्चा करें। रुद्र जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, आपने भी बीजेपी को सुना, कांग्रेस को भी सुना, अपनी अपनी योजनाओं का बड़ा बखान करते हैं कि हम ये योजनाएं कर रहे हैं, क्या आपको, आप तो लंबे समय से राजनीति से को देख रहे हैं, शुरुआत से अगर हम देखें जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से लगातार भ्रष्टाचार, महंगाई, ये तमाम वो मुद्दे थे जो हावी रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, आपको लगता है कि क्या वाकई नेता इस तरह से आते हैं जमीनी स्तर पर, अगर हम देखें तो वो चीजें ठीक होने की कोशिश कोई करता है? जी देखिए, अभी जिन 94 सीटों पर अभी मतदान हो रहा है आज, तो वहां ज्यादातर जो क्षेत्र हैं वो कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधे मुकाबले वाले क्षेत्र हैं। पिछला जो रिजल्ट आपने बताया और इस बार जो मुकाबले की स्थिति हम सब देख रहे हैं, तो जैसा मुझे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों की प्रतिष्ठा इसमें दांव लगी हुई है। जहां तक आपने इस बात को पूछा कि क्या है जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उस पर वास्तविक में जो हमारे जनप्रतिनिधि चुनते हैं वो गंभीर होते हैं, तो वही उसे दावा तो नहीं किया जाता है और उन पर यही जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती की हर 5 साल बाद उनको हम अने मतदाताओं के सामने आके खड़ा होना पड़ता है और वोट मांगना पड़ता है। और मैं जैसा लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, मुझे लगता है कि ये बाकी जो 5 साल का समय होता है वो तो अपना त्योहार जो जनप्रतिनिधि मनाता है, लेकिन वो एक दिन का त्योहार हमारा मतदाता मनाता है। वो एक दिन का त्योहार उसका यह है कि वो अपना फैसला देता है कि आने वाले समय में 5 साल कौन हमारा जनप्रतिनिधि होगा, कौन नुमाइंदगी करेगा। अब ऐसा नहीं कह सकते हम कि आजादी की बात से आपने जो बात कही कि कोई भी कितनी भी सरकारें रही हूं उन्होंने कोई काम कुछ नहीं किया, शून्य रहा। आज हम किस मुकाम तक पहुंचे हैं उसमें अपनी अपनी सबकी हिस्सेदारी रही है, किसी ने अपने अनुसार तेज किया, किसी ने कम किया, या कई मौके ऐसे आए जब बहुत हमारे देश के लोग लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग सवाल उनसे कर रहे हैं। हमारे साथ चौहान साहब भी जुड़े हुए हैं, के एस चौहान जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, आपने भी सुना चौहान साहब, इसके पहले आप जयवर्धन सिंह को भी सुन रहे थे, उनका भी ये कहना है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, तमाम वो मुद्दे, विकास उपाध्याय भी जिनके सामने अजय योद्धा इस समय चुनावी मैदान में है, ब्रजमोहन अग्रवाल, और ऐसे में ये तमाम मुद्दों के साथ अगर हम चूंकि चर्चा करें आपसे, समझना चाहें कि मोदी की लहर या मोदी फैक्टर इस बार काम आने वाला है, ये तमाम वो मुद्दे। देखिए, सबसे पहले शर्मा जी, हमारे को ये मानना पड़ेगा कि मोदी एक नाम नहीं, मोदी एक काम है। वो काम जिसने हमारे को, हमारे भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंचा के रख दिया है। विश्व में हम 4थे नंबर पे हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, 3रे नंबर पे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, 2रे नंबर पे हैं मोबाइल बनाने के स्थान पे, और पहले स्थान पे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, और पहले स्थान पे हैं आफ्टर कोविड ग्रोथ करने में, और उसके बाद बहुत सारे मुद्दे जो जैसे राम मंदिर, ट्रिपल तलाक और 370 धारा और भी बहुत सारे मुद्दे थे, तो ये सभी चीजें को लाया गया। दूसरी बात,
जहां पर 130 करोड़ लोगों को मुफ्त हमने हम बोलते हैं कि हमने इंजेक्शन लगा दिया, वैक्सीन लगा दी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे दिया, 50 करोड़ लोगों को का जनधन खाता खोल दिया है, 34 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड खोल दिया है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ला दिया है, 11 करोड़ लोगों का शौचालय बना दिया है, 11 करोड़ किसानों को 6000 रुपए सालाना दे रहे हैं, 10 करोड़ लोगों को गैस उज्ज्वला गैस के हिसाब से लाभार्थी बना दिया है, 4 करोड़ लोगों के घरों में छत दे दिए, और उसी की प्रक्रिया आगे भी और आगे चालू रहेगी। तो ये सभी चीजें, ये जनता इन कामों को देख के वोट देने जाएगी, इन कामों को वोट देके। और ये जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि ये एक दिन में नाम नहीं होता है, वो जो काम किया जाता है। तो मतदाता जागरूक है, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करेगी। हमारे साथ अभय जी भी जुड़े हुए हैं। अभय जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि मतदाता जागरूक है, वोकल भले ही ना नजर आ रहा हो, लेकिन मतदाता जरूर जा रहे हैं, निर्णायक भूमिका जरूर अदा कर रहे हैं और ईवीएम में बटन जरूर दबा रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे क्या लगता है कि इस बार हावी रहने वाले? निश्चित रूप से मतदाता जागरूक है, और मैं 7 बजे गया था अपने मतदान केंद्र पे, उस समय 150 की लाइन लगी हुई, जब मतदान शुरू नहीं हुआ। ये उत्साह बताता है कि मतदाता, इस देश का मतदाता आज संविधान की चिंता कर रहा है, लोकतंत्र की चिंता कर रहा है। और जो अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता गिना रहे थे, शौचालय मनमोहन सिंह जी के समय से बन रहे हैं, रोजगार गारंटी मनमोहन सिंह जी के समय से चल रही है, सूचना का अधिकार मनमोहन सिंह जी के समय से दिया गया, आप जिन कामों को गिना रहे हैं, देश पे 52 से चल रहा है, 52 से कांग्रेस ने देश को कहां पहुंचाया, तीसरी दुनिया का देश बनाया और विश्व में कीर्तिमान स्थापित करने का काम कांग्रेस ने भारत को लेकर किया है। ये अपने मुंह मियां मिट्टू, आज बेरोजगार कहां खड़ा है, देश में 40% बेरोजगारी हो तो देश के प्रधानमंत्री अब कितनी शर्त पा रहे हैं। इस देश में मणिपुर की महिलाओं की इज्जत न बचे, वहां पे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। पूरे विश्व में आज लोकतंत्र को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, तो जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, यहाँ तक कि निर्वाचन आयोग को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति हो, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटने की बात हो, तमाम बातों पे मतदाता गौर कर रहा है। और छत्तीसगढ़ की तो मैं बात करूंगा, जहाँ जन जंगल जमीन बड़ा मुद्दा है, जहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर पूरे प्रदेश को आपने अडानी को सौंप दिया। एक तरफ मुख्यमंत्री आदिवासी है, हम सम्मान करते हैं कि आदिवासी को आपने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन आदिवासियों का जन जंगल जमीन का अधिकार और मालिकाना हक आप अडानी को दे रहे हैं। परसा कोल ब्लॉक के नाम पर लाखों पेड़ शपथ लेने के तीसरे दिन काट दिए जाते हैं। तो जनता देख रही है कि आप चेहरा दिखा रहे हैं क्या, काम कर रहे हैं क्या, जनता सब जानती है। रुद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुद्र जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आजकल तो सबके पास मोबाइल है, सब जानते हैं, सब देख रहे हैं जनता की क्या कुछ हो रहा है। नेताओं के जिस तरह से बयान आए एक के बाद एक, नेताओं के बयानों का स्तर भी देखा कि कहीं तो मर्यादा तक लांग गए। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें 2019 का फर्स्ट फेज, उस समय भी मतदाता जागरूक था, अमूमन कमोबेश वही हालात थे, वही वोटिंग परसेंटेज था। जो इस बार क्या लग रहा है कि वैसे ही होने वाला है या कुछ स्थितियां बदलेंगी, क्योंकि पिछले बार तो हमने देखा कई जगह पर, इन मध्य प्रदेश में फर्स्ट सेकेंड फेज में तो मतदाता निकला ही नहीं, 11% ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने वोट करा ही नहीं। तो इस बार क्या स्थितियां दिख रही हैं, जागरूकता आ पाए, नेता जो चाहते थे वो कर पाए? जी, मुझे तो लगता है ये विश्वास करना चाहिए। मैं तो आज सुबह सुबह ही आपके शो में आने से पहले ही मतदान करने गया था और मतदान करके आ चुका हूँ, और मैंने भी देखा कि मतदान केंद्रों में लाइन लगी हुई है, लोगों में उत्साह है। और ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि प्रदेश में और देश में बाकी हिस्सों में भी लोग इस बार पहले के मुकाबले अधिक मतदान करेंगे। मैं अभी पिछली बातचीत में भी कह रहा था कि ये जो समय होता है वोटिंग का, ये चुनाव का, आज तो इतने लंबे आजादी के बाद से हमारा मतदाता ये जान चुका है कि ये मेरे लिए भी ये सोचने का समय है। हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी इस जीत को जानना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी खड़ी है, कौन से उम्मीदवार खड़े हैं, उनकी तरफ से क्या वादा किया जा रहा है, क्या काम करेंगे। ये चीज की देखिए, हमारे जितने भी बड़े बड़े नेताओं के भाषण होते हैं, मैं एक तटस्थ ऑब्जर्वर के रूप में इस चीज को देखता हूं, तो मुझे इस बात की कई बार चिंतन भी करने का अवसर मिलता है। तो मुझे लगता है कि जब भी हमें बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या अपोजिशन के नेता हो,
जो भाषण करते हैं उसमें उनका ज्यादातर हिस्सा बातचीत का यह होता है कि हम क्या करने क्या किए हैं और क्या करने जा रहे हैं, लेकिन उन बिटवीन द लाइन जो दो तीन बातें को जो कह दी जाती है, पूरी बहस पूरी चर्चा चाहे टेलीविजन पर मीडिया पर बहस हो या सोशल मीडिया पर हो या चौक चौराहे पर हो, इस बात पर ही केंद्रित हो जाती है कि उन्होंने यह बयान दिया। मुझे लगता है कि इस बात को जिस दिन लोग तरजीह देना बंद कर देंगे कि जो हमारे काम की बात है उसके अलावा क्या बात कही गई है, तो फिर उनको भी इस चीज को लगेगा कि नहीं, हम ये जो बात कहते हैं इस बात का असर होता है। ये मुझे लगता है कि ये जागरूकता भी धीरे धीरे आ रही है और आनी चाहिए कि लोगों को ये लग जाता है कि भाषणों में एक कोई ऐसी कोई छुटी की बात या कोई पिंच करने वाली बात या जिस पर चर्चित बात है, विवादास्पद बात है, वो कह दी जाती है और उस पर हम सभी बहस करने लग जाते हैं, तो वो बहस का हिस्सा जिस दिन खत्म होगा और लोगों को लगेगा कि आप सीधी सीधी बात कीजिए, चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने क्या काम किया, वो झूठ बोल रहे हैं, इस बात का मूल्यांकन करने का अधिकार, मूल्यांकन करने की जरूरत है। चौहान साहब भी हैं, इसका मूल्यांकन करेंगे। चौहान साहब, आपसे भी समझना चाहेंगे, इस चुनाव को अगर हमने देखा बारीकी से नजर डाले तो इसमें यह संदेश देने की कोशिश की कि एक विशेष वर्ग है, एक हिंदू धर्म है, ओबीसी है, एससी है, एसटी कैटेगरी है, और यह संदेश देने की कोशिश की गई ओबीसी को, एक विशेष वर्ग का हक छीन रही है और उसे दिया जा रहा है। तो क्या समझे, इस तरह से वैमनस्यता नहीं बढ़ेगी, लोगों को जो हम कहते हैं आपसी भाईचारा बढ़ाया जाए, लेकिन वैमनस्यता बढ़ाने की कोशिश की गई इस बार, कांग्रेस को भले ही घेरने की कोशिश लगातार की जा रही थी। चौहान साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे, वैमनस्यता बढ़ाने की कोशिश की गई इस बार चुनाव में? देखिए, ये इनकी रीति नीति है शर्मा जी, जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे तो उन्होंने खुद बोला था कि यहाँ की देश की जनता की संपत्ति का पहला हक अल्पसंख्यक विशेष को है, तो ये उसी का ये पार्ट भी है जो इनके मैनोफेस्टो में दिखाई देता है। और क्या आप ये बताइए कि एक तरफ ये बोलते हैं न्याय की बात, और न्याय क्या ये होता है, क्या न्याय ये होता है कि समान वितरण ही न्याय होता है, समान जो हमारे संसाधन है उसका समान रूप से वितरण, सभी को समान रूप से वितरण ही न्याय होता है। एक तरफ ये न्याय की बात बोलते हैं और दूसरी तरफ अन्याय कर रहे हैं। चौहान साहब, आप समझ नहीं पाए, मैंने चूंकि जिक्र किया था कि लगातार हमने भाषणों में भी देखा, लगातार हमने जिस जिस को भी सुना वो यही कहता हुआ नजर आया, विशेष वर्ग और एससी एसटी ओबीसी जातिगत इन्हीं बातों का ज्यादा समावेश दिखाई दिया। आपको नहीं लगता इससे ऊपर उठने की जरूरत थी? जी बिल्कुल, राजनीति तो इसी के लिए है, राजनीति होती है कोई एक वर्ग विशेष की नहीं होती है शर्मा जी, राजनीति होती है राज्य के लिए नीति, राज्य के लिए नीति, राज्य के उपयुक्त क्या है। ये हो सकता है कि किसी समय कुछ कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी वर्ग या किसी समुदाय या किसी स्थान को ज्यादा आप तवज्जो दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने। ठीक है अभय जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, राज्य की राजनीति इसी तरह से होती है, कह रहे हैं चौहान जी, क्या कहेंगे? अब मुझसे पूछा आपने? जी जी जी, अभय जी, आपसे राज्य की राजनीति और राजनीति में भाजपा आरएसएस का जो गणित कि धर्म को धर्म से बांटो, जाति को जाति से बांटो और वर्ग से वर्ग को बांटो, अंग्रेजों की जो नीति थी ना जी, वो टालो और राज करो, ये जब मौ शब्द बोलेंगे तो मछली निकलेगा, मौ शब्द बोलेंगे तो मुस्लिम निकलेगा, मौ शब्द बोलेंगे तो मंदिर निकलेगा, मौ शब्द बोलेंगे तो मस्जिद निकलेगा। अरे भाई, मौ से महंगाई भी है, मौ से मणिपुर भी है, अब बात करो ना मौ शब्द पे, कभी मणिपुर की चिंता करो, कभी महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार, अब मोदी सरकार कहां गया नारा, आज जो तेल चौका में 60 रुपया किलो था, आज 180 रुपया किलो आने का तेल बिक रहा है, वो पेट्रोल 60 और 55 रुपए मिला करता था, पेट्रोल 100 रुपया मिल रहा है, 39 आज महंगाई की मार का अंदर लगने के एक हफ्ता पहले 49 प्रॉपर्टियां या तो आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, अरे एक घंटे का डिबेट है 49, एक घंटे का। चौहान जी सुन लेते हैं अभय जी को, चौहान जी जरा सुनने की ताकत रखिए जी। अभय जी, तो 4 जून को चली जाएगी, 4 जून के बाद आप बोलिएगा, बोलना होगा, वो 4 जून के बाद तो आप बोलने की स्थिति में नहीं रहेंगे, मुद्दे की बात कीजिए। मतदाताओं पर आज ही तो मैंने कहा ना, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, ये चुनाव तय करेंगे
तानाशाह रहेगा कि लोकतंत्र रहेगा, चुनाव तय करेंगे। ठीक है, चूंकि हमारे पास समय की कमी, रुद्र जी भी से भी फाइनल कमेंट लेते हैं। रुद्र जी, आपने भी सुना कि जातिगत फैक्टर खूब हावी रहा, लब्बो लुबाब तो खूब दिखाई दिया पार्टी नेताओं का, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जातिगत फैक्टर वैमनस्यता बढ़ाने की कोशिश की गई इस चुनाव में। जी देखिए, ये तो मैंने पहले भी कहा इस बात को कि जब भी चुनाव की या ऐसे कोई प्रतिस्पर्धा की स्थिति आती है तो लोग तो स्वतंत्र होते हैं कि वो अपनी बात रखेंगे, उनका कौन सा तौर तरीका है वो अपना हर कोई तय करता है। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ और सोचता हूँ कि इस बात का लोगों के बीच क्या रिएक्शन हो रहा है। मैं तो आम लोगों के बीच अगर आप जाकर बात कीजिए, मुझे कहीं नहीं लगता इस बात को लेकर कि हमने, कई बार ये स्थिति लगती है कि शायद मीडिया या राजनीति से जुड़े हुए लोगों ने इसे ही शायद अपना हथियार और आर्म्स बना रखा होगा, लेकिन आम लोगों के बीच कभी इस बात का बहुत ज्यादा असर नहीं होता है कि इस तरह की जो बातें कही जाती है तो लोग बिल्कुल, यानी जनता जागरूक है, समझदार है और सब जानती है और देख भी रही क्या कुछ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही बातचीत करने के लिए। हमारे साथ तीन अलग अलग मेहमान जुड़े हुए थे और हम चूंकि चर्चा कर रहे थे कि किस तरह की स्थितियां बनी, इस तरह का जो चुनाव है वो किस तरह का होने वाला और क्या, जिस तरह से 2019 में स्थितियां बनी, इस बार क्या कुछ होने वाला है। लगातार वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का और खबरें लगातार जारी है।